वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल क्रॉस द थियरी में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो अब तक के इस सीरीज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी करंट को डिटेल से पढ़ लिया। सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर देखो उनको। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स के 6 वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर उनको देखिए, इस प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं। और आप अगर इस प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो आप आसानी से उन वीडियोस को फाइंड कर पाएंगे। चैनल पर जाकर भी आप उन वीडियोस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर अब हम पहुँच गए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, सो वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फोकस फॉर देम। ओके, हमको क्या देखना है कि जब आपके पास दो बहुत थिन लेंस हो, ठीक है ना, और उन थिन लेंस को आप एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में रख दें, ऐसी कंडीशन में जो उनका फोकस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फोकस कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट फोकस फाइंड आउट करना है हमको। देखना है कि जो इमेज है उसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किस कंडीशन में आ जाएगा, इसको हमको देखना है। सो इसके लिए हम लोगों ने दो थिन लेंसेस लिए हैं विथ फोकस, फोकल लेंथ ऑफ F1 एंड फोकल लेंथ ऑफ F2। ओके, सो फर्स्ट लेंस हैज फोकस F1 एंड सेकेंड हैज F2। एज्यूम दैट बोथ आर वेरी थिन। ओके, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बहुत पतले हैं एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट, मीन्स इनके बीच का जो गैप है वो जीरो है, जीरो है। ओके, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट से ऊपर रखा है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट से ऊपर रखा है एंड दैट डिस्टेंस इज यू। अब आप सोच रहे हैं सेंटर से हमको तो यहाँ मिडल से गिनना चाहिए था। ओके, ये बहुत थिन है, बहुत पतले हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेट जीरो, मींस कि ये इतना थिन है, इतना पतला है। ये देखो, ऐसे हो तो कुछ बात भी हो, ये एकदम ऐसे पतले हैं, यानी इनके लिए ये डिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर है। ऐसी कंडीशन में मैं जितनी भी वैल्यूज को नोट करूंगा वो मैं इस मिडल पॉइंट से करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये दो थिन है, ये दो थिन लेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं है, अप्रोक्सीमेट वही है। ओके, तो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। अच्छा, अब इस कंडीशन में आपको पुराने वाली वीडियो की कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाएगा सेकेंड लेंस के लिए, वो इमेज वर्क करेगी किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, एंड वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के लिए फिर से एक नया इमेज देगी और वो आपका रियल इमेज होगा, वो फाइनल इमेज होगा। क्लियर है, नहीं है? ओके, सुनो जरा, और हो जाएगा, अगर नहीं है तो हो जाएगा। सबसे पहले तो हमको एक काम करना होता है कि आप एक लाइट रे को बिल्कुल सीधा लेके चले जाओ, और जो लाइट रे बिल्कुल मिडल पॉइंट से जाती है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, वो कभी भी बैंड नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल जा रही होती है, और नॉर्मल के पैरेलल जा रही है तो एंगल जीरो है। सो बाय स्नेल रूल आपका डिफ्लेक्शन एंगल भी जीरो ही होगा, यानी रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो ही होने वाला है। ऐसी कंडीशन में वो लाइट बिल्कुल बैंड नहीं होगी और वो उस पैरेलल लाइन के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, सेकेंड लाइट रे को मैं कुछ ऐसे यहां से लेके जाता हूं, क्लियर है, सेकेंड लाइट रे मेरा कुछ यहां से जा रहा है, ठीक है, ये देखो। अब जैसे ही ये सेकेंड, सॉरी एक मिनट, हाँ ओके, गंदा सा डायग्राम बन जाता है कई बार। ओके, तो जैसे ही ये लाइट रे फर्स्ट लेंस के अंदर पहुंचती है, जैसे लाइट रे फर्स्ट के अंदर पहुंची, फर्स्ट ने इसको क्या कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया, और ऐसी कंडीशन में आपको एक इमेज यहां कहीं मिल गई। इस इमेज को मैंने नाम दे दिया I1, क्लियर है। अच्छा, इसका डिस्टेंस यहां से बोल देते हैं, क्योंकि I1 है तो इसके लिए डिस्टेंस बोल देते हैं V1। अब आप सबको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप U से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इमेज, और आप सबको मालूम है ये है नहीं, एक्चुअल में ये है नहीं, ये तो पहले लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेट हो रहा है। अभी सेकेंड लेंस इसको और चेंज करने वाला है, क्यों, क्योंकि सेकेंड लेंस के लिए यही क्या बन जाएगा, सेकेंड लेंस के लिए यही बनने वाला है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के लिए वो बनाने वाली है एक नया डायग्राम। कहानी क्लियर है या नहीं है? ओके, मैं यहां पर व्यू बना देता हूं, समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना I1 फर्स्ट लेंस के कारण, जिसका फोकस F1 है। ओके, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मालूम है जब ये लाइट रे यहां से घूम के इसके अंदर पहुंचेगी, यानी सेकंड के अंदर जाएगी, सेकंड लेंस इसको क्या करेगा, सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट का वो एक इमेज बनाएगी, इमेज बनाते टाइम ये इसको
और बेंड कर देगी। अगर इसकी कहानी डिटेल से समझनी है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल से क्लियर किया हुआ है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 30 मिनट का, जाकर देख सकते हो। इतना छोटा है क्या सर? छोटा ही है, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो ट्वेल्थ का, तो आपको ये टाइम तो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को जाकर देखो, अगर आप थोड़ा सा बगा बगा के देख लोगे वीडियो को, तो भी मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। शुरुआती कुछ मिनट या 10 मिनट आपके काम के हैं, उसके बाद तो नॉर्मल इक्वेशन है जो आप डेरिवेशन है जो आप लोग करते रहते हैं, ओके। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल से मैंने बताया क्यों ऐसा हो रहा है, ओके। फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज बनी है, दैट इमेज इज वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू। तो यहाँ लेंस टू इसको ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, और ये उस ऑब्जेक्ट की, जैसे ऑब्जेक्ट आया इसने क्या कर दिया, उसको और बेंड कर दिया, इसने दूसरी इमेज बनाई कुछ यहां पर, क्लियर है। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज योर फाइनल इमेज जो सेकेंड से यहां पर बनी है। इस डिस्टेंस को बोल देते हैं हम लोग वी, क्योंकि फाइनल इमेज है तो फाइनल वी, क्लियर है या नहीं है। बैंड हो गई, ठीक है ना। वैसे तो आप देखें तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि लाइट रे ऐसे गई। अब सेकंड लेंस ने फिर से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर से बैंड हो गई। देखो जरा, पहले इसने इसको बैंड किया, फिर ये भी और बैंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बेसिक है, ओके। अब देखो जरा, रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस देन वेन, यहां पे मैं वेन लिखता हूं, वेन रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस, डन बाय फर्स्ट लेंस यहां लिख देता हूं, डन। देखो ना, इतनी वेन रिफ्रैक्शन डन बाय फर्स्ट लेंस, ठीक है ना। जब फर्स्ट लेंस रिफ्रैक्शन करता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो जरा, बाय लेंस फॉर्मूला हम कर क्या रहे हैं सर? एक्चुअल में देखो तो मैं इस F1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, इस F2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तभी तो मुझे इक्विवेलेंट मिलने वाला है। तो पहले इनकी वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए, तो वो वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। देखने की कोशिश करो, 1/F=1/V-1/U, क्लियर और नॉट? यहां तक फाइनल है, बहुत अच्छी बात है, ओके। इस कंडीशन के लिए F कितना है, फर्स्ट के लिए, दैट इज F1, V कितना है, V1 1/V1 एंड U इज U, क्लियर, ओके। कार्टेशियन साइन रूल पहले से ही लगा हुआ है, तो लगाने की जरूरत नहीं भाई, इक्वेशन में पहले से ही लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ओके। व्हेन रिफ्रैक्शन डन बाय सेकेंड लेंस देन बाय लेंस फॉर्मूला, ओके। जब सेकेंड लेंस से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो फर्स्ट लेंस से इमेज बनाया, वो इमेज सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और उसने फिर से एक इमेज बना दिया, फिर से रिफ्रैक्ट कर दिया उसको, ओके। तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/F=1/V-1/U, देखो लेंस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू पुटिंग करके चेंज कर सकते हो, यहां कोई चेंज नहीं होने वाला है, ओके। तो ये वैसा का वैसा ही है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड कंडीशन के लिए योर एफ इज F2, क्लियर, वी मीन्स योर इमेज डिस्टेंस, एंड सेकेंड के लिए इमेज क्या है हमारा, मेन इमेज मीन्स की जो लास्ट इमेज बन रहा है, दैट इज V-U, ओके। सेकेंड के लिए इमेज आपका ऑब्जेक्ट क्या था, दैट इज I1, एंड द डिस्टेंस ऑफ I1 इज 1/V1 नोन एज लेट्स नेम देम इक्वेशन नंबर 2, ओके। लेट्स एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस में, ये वाला टर्म प्लस में, गायब, ओके। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1/F1+1/F2=1/V-1/V1 प्लस, देखो मैंने क्या किया, इधर साइड वाले को इधर वाले के साइड, ये वाला टर्म उठाया रख दिया, अब इधर वाले टर्म को उधर साइड में, ओके, 1/V-1-1/U, क्लियर। ये देखो, और कहां गया, ये देखो, हाँ। सो 1/F1+1/F2 1/V-1/U। आपको याद हो लेंस के लिए ये कुछ और नहीं, 1/F होता है, यानी लेंस फॉर्मूला। सो बाय, और यहां पे लिख देता हूं, compare to lens
फॉर्मूला, अगर लेंस फॉर्मूले से हम कंपेयर करते हैं तो ये किसके इक्वल टू होता है, 1/f, मीन्स कि ये वाला टर्म किसके इक्वल है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस कंडीशन के लिए जो हम लोगों ने दो थिन लेंसेस को क्या करके रखा है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके कॉन्टेक्ट में रखा है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे ही एन लेंस हो और दे आर इन कॉन्टेक्ट तो क्या होगा, व्हेन एन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट, सो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश 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 1/fn, मीन्स ऐसे ही आप और लेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेंसेस ज़्यादा हो, एक साथ कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी 1/f1 प्लस 1/f2 डैश 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 1/fn, जितने लेंस हैं आप उन सबका ऐसे एडिशन निकाल सकते हैं। अब एक कहानी पुरानी है, देखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ पावर। अच्छा, मैं ना इसको लेंस पावर लिखूँगा, लेंस पावर। क्यों सर? जैसे मैं पावर लिखता हूँ ना, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, एंड दैट इज़ व्हाट, हाँ सर, वो शक्ति, कार्य करने वाली क्षमता, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें याद आ जाती है, पर वो नहीं है भाई, वो पी वाला पावर नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ और है, इसको समझने की कोशिश करो। चलो, सो यहाँ पर पावर जो होता है, लेंस का जो पावर होता है, दैट इज़ पावर इक्वल टू 1/ में फोकल लेंथ, क्लियर, मीन्स P इक्वल टू 1/f। तो ये 1/f है, इसकी जगह पर मैं पावर लिख सकता हूँ क्या, मीन्स P इक्वल टू 1/f1 के लिए P1, 1/f2 के लिए P2, 1/f3 के लिए P3 एंड डैश 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 वॉट Pn। तो ये हो गया टोटल पावर का एडिशन, मीन्स इस लेंस का पावर है 10 डायोप्टर और इस लेंस का पावर है 5 डायोप्टर, सो टोटल इज 15 डायोप्टर। क्लियर और नॉट? मीन्स कि अच्छा, इसका जो यूनिट होता है, दैट इज डायोप्टर रिप्रेजेंट एज डी, ठीक है, ये सब पुरानी बात है, बचपन में पढ़ा हुआ, 10th में देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सीखा हुआ है। क्लियर है पावर? ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए इक्वेशन नहीं बना सकते, आप सिर्फ सोच सकते हैं, अब समझने की कोशिश करो, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसको समझने की कोशिश करो। देखो जरा, अगर फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन पावर है, यानी मैग्निफिकेशन है 2, ओके, सो ये क्या कर सकता है? अगर आपके पास 5 मीटर का एक ऑब्जेक्ट है, और वो 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, और आप उसको किसी लेंस के सामने रख दीजिए, ठीक है ना, ओके, जैसे मैं ही हूँ, ऐसा मान लो कि एक बड़ा सा लेंस है, उसके सामने मैं हूँ, एंड मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं 6 फीट का हूँ और मैं उस लेंस से अपना इमेज बना रहा हूँ, पहले लेंस से, तो वो लेंस क्या कर रहे हैं मेरे लिए, वो उसका अगर उसका मैग्निफिकेशन 2 है, तो वो लेंस मुझे 12 फीट का दिखाएगी, यानी मेरी हाइट 6 फीट, तो वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी 12 फीट में। क्लियर है या नहीं है? ऑब्जेक्ट है 6 फीट का, तो इमेज कितना बनेगा, 12 फीट का। अगर मैं उससे सटाकर एक लेंस और उसके कॉन्टेक्ट में रख दूँ, और उसका मैग्निफिकेशन है 2, फर्स्ट का 2, सेकंड का भी 2, क्लियर है, तो फर्स्ट वाले ने तो मुझे 12 फीट का दिखाया था, अब सेकंड वाले की बारी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ने जो इमेज बनाया है, वही इमेज तो सेकंड वाले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है या नहीं है? तो फर्स्ट वाले ने तो 12 सेंटीमीटर की एक इमेज बना दी है, अब वो 12 सेंटीमीटर की जो इमेज है, वही सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये उस 12 को और दुगुना कर देगी, और वो उसको कर देगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं है? यानी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है या नहीं है? 2 2 जा 4, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो 4 × 6 = 24, और यही आ रहा था, यानी कि मेरा इमेज बना, और मेरे इमेज को सेकंड ने यूज़ किया, किसके लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो बेसिक सी बात है, अगर मैं पहले से ही बड़ा कर दिया गया हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही बड़ा हूँ, और वो मेरा इमेज और बड़ा देने वाला है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो मैग्निफिकेशन, यहाँ पे देखो जगह नहीं, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, एम इक्वल टू m1.m2 दो के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो m इक्वल टू m1.m2.m3 डॉट 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 का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना,
एंड एम एन, सोच लो कि सर फिल इन द ब्लैंक्स है, ना 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 ना, यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, क्लियर है? ओके, दैट इज योर टोटल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मीन्स रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन आपको कितना मिलेगा अगर आप लेंस को कंबाइन करके रखते हो। ये थिन लेंस है तो इसके लिए ये वाली जो कंडीशन है वो बहुत ईजी बनी और आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब आप किसी भी कॉम्बिनेशन वाले लेंस के लिए ऐसे फॉर्मूले यूज करके पावर, फोकस और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ओके, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑप्टिक्स का ये सीरीज ऐसे ही आगे चलता रहेगा, आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नजर आएगा, फायदा भी मिलेगा, एग्जाम के रिजल्ट में भी आपको इसका कुछ प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। कुछ क्या, बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप नहीं पढ़ना चाहेंगे फिर भी पढ़ाई हो जाएगी। ऑप्टिक्स जैसा ईजी टॉपिक आपको कोई लगेगा ही नहीं अगर आप रेगुलर वीडियोज़ के साथ बने रहेंगे। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और उनको भी इस फैमिली का बनाइए हिस्सा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।